अभी ये कार्स को मैं ऑफ रोड में चलाने के लिए आया था। यहाँ पे तो पूरी की पूरी बाढ़ आ चुकी है यार। ये लो, मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर दबा दिया है। कार बहुत दूर तक पानी के ऊपर फिसलती हुई गई है। यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ा सा ही ट्रिगर प्रेस किया था, ट्रक से उसकी स्पीड देखो, टर्न लगा के वापस भी आ रही थी, पर उतने में ही ये कार इसके अपोजिट में आ गई। अबे क्या खतरनाक टक्कर थी यार, ओ माय गॉड। यहाँ पे जेल भी जीता पूरी कोशिश कर रही है इसको पीछे करने के लिए, पर यहाँ पे उतने में ही दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है गाइस। बाप रे बाप। हेलो गाइस, आज की वीडियो में सस्ती और महंगी कार्स के बीच में मैं फाइट कराने वाला हूँ। मेरे पास ये दो महंगी वाली कार्स है। ट्रैक्सस स्लैश का प्राइस है 50,000 रूपए और जेल भी चीता एक्सट्रीम का प्राइस है 40,000 रूपए। ये दो महंगी कार मेरे पास है। अब तीन मैं आपको सस्ती वाली कारें दिखाता हूँ। ये कार का प्राइस है 5,000 रूपीज, ये कार का प्राइस है 4,000 रूपीज और ये कार का भी प्राइस है 5,000 रूपीज। देखते हैं गाइस आज ये तीनों कार्स अपनी महंगी वाली कार्स के सामने टिक पाएगी या फिर नहीं। तो चलो गाइस फटाफट से पहले करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं फाइट, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। तो ये रही ट्रैक्सस स्लैश 4x4 VXL। पहले तो मैं इसको बॉक्स के अंदर से निकाल लेता हूँ। ये इसका रिमोट है और यहाँ पर है हमारी ट्रैक्सस स्लैश 4x4 RC कार। पहली चीज गाइस, इसकी बॉडी बहुत ही मजबूत बॉडी के साथ आती है ट्रैक्सस स्लैश 4x4। इसके सामने कोई दूसरी कार आती है तो भाई को ये चकनाचूर कर देगी। इसके अंदर ट्रैक्सस का TSM दिया गया है, यानी कि ये कार को आप कितनी भी स्पीड चला लो कार अपने आप को खुद से ही बैलेंस कर लेती है। तो अब अनबॉक्स करते हैं JLB चीता एक्सट्रीम को। ये कार भी कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। इसको एक बार खोल लेते हैं यहाँ से। कार का साइज काफी ज्यादा मैसिव होने वाला है तो इसको मैं यहां से भी निकाल लेता हूँ। ये कार की सबसे खतरनाक चीज मेरे को लगते हैं इसके ट्रैक्टर वाले व्हील्स। सामने और पीछे ट्रैक्टर वाले व्हील्स ही इसके अंदर मेरे को मिले थे, पर इसकी एक बार मैं फाइट पुरानी जेल भी जीता है उसके साथ करा रहा था। उसने यार इसका पीछे का टायर फाड़ के रख दिया था पूरी तरीके से, इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाले व्हील्स लगा रखे हैं और सामने की तरफ ये ट्रैक्टर वाले व्हील्स लगा रखे हैं। ये कार ऑफ रोड में भाई बहुत ही तगड़े तरीके से चल सकती है। तो ये दोनों पावरफुल RC कार्स को मैंने रख दिया है साइड बाय साइड। ये एक मॉन्स्टर कैटेगरी की कार है और ये एक रेसिंग रैली कैटेगरी की कार है। तो गाइस तीनों सस्ते वाली कार्स के अंदर से ये कार को मैं आपको अनबॉक्स करके बताऊं। ये सभी कार्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो परचेज भी कर सकते हो। बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है। ये रही हमारी सस्ती वाली कार। इसके अंदर यहाँ पे डोर्स है, ये डोर्स रिमोट से ओपन और क्लोज हो जाते हैं। व्हील्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा दिया गया है। सामने की तरफ बम्पर उससे भी ज्यादा बड़ा यार। और तो और इसके अंदर सस्पेंशन भी दिया गया भाई, देखो पीछे भी बहुत बड़ा एंटी कोलिजन बम्पर दिया गया है। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, काफी बड़े साइज का रिमोट है यार और दिखने में भी एकदम अलग टाइप का लग रहा है। यहाँ पे इसके डोर्स ओपन करने के लिए एक स्विच है। स्टीयरिंग पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो चलो गाइस अभी कराते हैं ये तीन सस्ती कार्स की फाइट ये दो महंगी कार्स के साथ, देखते हैं आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। तो यार हम लोग आ चुके हैं बाहर कार्स को टेस्ट करने के लिए। ओ तेरी भाई साहब, ये बरसात पीछा ही नहीं छोड़ रही यार। आज भी देखो बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, तो आज इन कार्स को बरसात में ही चलाते हैं गाइस। चलो, ये है 40,000 वाली कार का रिमोट और ये है 4,000 वाली कार का रिमोट। इसके अंदर से देखो यहाँ से धुआं भी निकल रहा है और इसका इंजन देखो भाई साहब कैसा फड़फड़ाने लग रहा है। अब ये 40,000 वाली JLB जीता एक्सट्रीम को चला के देखते हैं। ओ भाई इसकी स्पीड देखो कितनी खतरनाक है। अब बहुत स्पीड में आकर मैं ब्रेक लगाने वाला हूँ। ओ माय गॉड, ब्रेक लगाने के चक्कर में भी कार पलट जाती है यार, क्योंकि यहाँ पे रोड अभी बहुत ज्यादा गीली हो चुकी है। इसके टायर्स बहुत खतरनाक तरीके से एक्सटेंड हो रहे हैं यार, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। सामने का व्हील देखो, सामने का व्हील देखो और पीछे का व्हील देखो, काफी खतरनाक है यार ये कार तो। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रोड के ऊपर छोड़ा है, इसकी स्पीड देखो कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। अब यहाँ पे वापस से ब्रेक लगाता हूँ। इस बार तो यार ब्रेक ही नहीं लग रहा है, कार बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि रोड पूरी की पूरी गीली हो चुकी है। अब ये 4,000 वाली RC शार्क कार को चला के दिखा देता हूँ। इसके प्राइस के हिसाब से स्पीड मेरे को बिल्कुल सही लग रही है। ये सिर्फ 2-व्हील ड्राइव है, काम करते हैं इसको यहाँ से टर्न करा लेते हैं। टर्न कराते समय इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो चुकी थी, बाकी कंट्रोलिंग वगैरह ठीक ठाक मेरे को लग रही है। ठीक है दोस्तों, अब ये 5,000 वाली मॉन्स्टर कार को चला के देखते हैं। इसके अंदर 4-व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया, यानी कि इसके चारों पहिए एक साथ घूम सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी लाइट्स वगैरह दी गई है। ओके, अब ये 50,000 वाली ट्रैक्टर स्लैश को चला के देखते हैं। इसकी स्पीड देखो कितनी खतरनाक है और ये बहुत साइलेंटली चलती है। ब्रेक्स तो भाई एकदम तगड़े वाले इसके अंदर दिए गए, मैंने इसको इतनी स्पीड में भी चला के देखा। ये देखो कार बिल्कुल भी पलट नहीं रही है इतनी ज्यादा गीली रोड पर भी, भाई इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा गजब की दी गई है।
ओके दोस्तों, अब रेस कराते हैं ये सस्ती वर्सेस महंगी कार के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कार जीती है। यहाँ पे जस्ट मैंने थोड़ा सा ही ट्रिगर प्रेस किया था, ट्रैक से उसकी स्पीड देखो यार कितनी ज्यादा है भाई, ये वहां तक पहुंच चुकी है और टर्न लगा के वापस भी आ रही थी, पर उतने में ही ये कार इसके अपोजिट में आ गई थी इन दोनों के बीच में। अबे क्या खतरनाक टक्कर थी यार, ओ माय गॉड। अरे यार देखो, इसके सामने के पूरे पार्ट्स टूट चुके हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स अलग हो चुके हैं और ये कार किसी काम की रही नहीं यार। अरे भाई साहब, इतनी खतरनाक टक्कर मैं पहली बार देख रहा हूँ। इसको देखते हैं, इसको भाई कुछ फर्क पड़ा ही नहीं क्योंकि इसका सामने का बम्पर एकदम खतरनाक वाला दिया गया है। चला के देखते हैं चल रही है या नहीं। अबे यार कोई दिक्कत है नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है ये। इसको चला के देखते हैं चल रही है या फिर नहीं। ये रख दिया मैंने, चलाते हैं इसको। इसके अंदर देखो लाइट्स अभी भी काम कर रही है। अब मैं इसको जैसे ही चलाने की कोशिश कर रहा था, सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स एक दूसरे से टकरा रहे थे। इसको एक बार चला के देखते हैं। यहाँ पे एक बटन दिया गया, इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो देखो इसके डोर्स ओपन और क्लोज हो जाएंगे इस तरीके से, बस एक बटन दबाने से ओपन और क्लोज हो जाते हैं। एक डीजे भी दिया गया है इसके अंदर। स्पीड अच्छी खासी है यार दूसरी कार्स के मुकाबले में इसकी, कंट्रोलिंग भी ठीक ठाक है, ब्रेक भी बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। ठीक है यार 4000 के हिसाब से। अच्छा मैंने एक और चीज़ इसके अंदर देखी है, अभी वो आपको बताता हूँ। देखो इसको मैं जैसे जैसे चलाऊंगा यहाँ ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइट्स भी आने लगेंगी इसके अंदर, नाइट में एकदम सही लगेगी यार ये कार। तो अब कराते हैं इन दोनों के बीच में रेस, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है। चलो यहाँ पे तो रेस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर दिए, जेएलबी जीता एक्सट्रीम ने, क्योंकि यार इसकी स्पीड एकदम बिजली की रफ्तार जैसी। अब इन दोनों के बीच में भी टक्कर हो जाती है यार, जैसे तैसे करके मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। ये सस्ती वाली कार इन दोनों कार्स को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रही थी। अब कराते हैं इन दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस इन दोनों में से कौन जीतता है रेस। चलो ये दोनों ही बहुत ज्यादा सुपर फास्ट आरसी कार्स है, दोनों के अंदर धीरे धीरे करके मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। दोनों एकदम साइड बाय साइड चल रहे थे, पर फर्स्ट राउंड में जेएलबी जीता एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, पर ये कार को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी बात का फायदा उठाकर सेकंड राउंड में ट्रैक से स्लैश आगे निकल गई है और थर्ड राउंड में भी बहुत ज्यादा आसानी से आगे निकल गई है। यहाँ पे जेएलबी जीता पूरी कोशिश कर रही है इसको पीछे करने के लिए, पर यहाँ पे उतने में ही दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो चुका है गाइस। बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर थी यार यहाँ पे, मेरे कार के नीचे घुस गई थी पूरी तरीके से। ओ तेरे, ये क्या हो गया यार, इसका शॉक एब्जॉर्बर टूट गया है पूरी तरीके से यहाँ से। अरे यार बहुत ही खतरनाक वाला डैमेज था ये। स्लैश ने जेएलबी जीता को पीछे से टक्कर मारी थी, एक बार इसको भी चला के देख लेते हैं। जेएलबी जीता एक्सट्रीम एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है। तो यहाँ से इसका जो स्क्रू है निकल गया था, मैं इसको एक बार टाइट कर देता हूँ। और इसके अंदर ऑयल भी होता है, वो ऑयल पूरी तरीके से लीक हो गया यार, मेरे हाथ देखो अभी पूरी तरीके से छिपछिप आ चुके हैं। ठीक है, ट्रैक्स स्लैश को पूरी तरीके से मैंने रिपेयर कर दिया है। ओ माय गॉड, इसकी स्पीड देखो पहले जैसी ही हो चुकी है और ये एकदम बढ़िया तरीके से अब चल रही है। भाई साहब इसकी स्टेबिलिटी एकदम खतरनाक है यार, देखो कार को कोई छोटा बच्चा भी चला सकता है क्योंकि इसके अंदर TSM देखने को मिलता है, यानी कि कार अपने आप ही स्टेबल होती है, आप जितनी भी स्पीड में इसको चला लो। अभी ये कार्स को मैं ऑफ रोड में चलाने के लिए आया था, यहाँ पे तो पूरी की पूरी बाढ़ आ चुकी है यार। देखो आप लोगों को ये टावर याद होगा तो बस भाई वो उधर तक ही पानी होता है इसके अंदर, पर आज देखो यार पूरा का पूरा पानी भर चुका है इसके अंदर। अबे भाई इधर देखो, इधर तक पानी आ रहा है गाइस, ओ माय गॉड। दोनों को ये पानी के ऊपर भी मैं चला के देखने वाला हूँ, देखते हैं ट्रैक्सस जीतती है या फिर ये जेएलबी जीतती है पानी के ऊपर। वहां से एकदम स्पीड में लेके आएंगे दोनों कार्स को और पानी के अंदर जंप कराएंगे। ये लो मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर दबा दिया है, कार बहुत दूर तक पानी के ऊपर फिसलती हुई गई है। मेरे को लगा था कि यहाँ पर आकर ये रुक जाएगी, पर बिल्कुल भी रुकी नहीं है गाइस, देखो अभी भी चल रही है। पूरा का पूरा इसने क्रॉस कर लिया है पानी के ऊपर से। ओ माय गॉड भाई, ट्रैक्स की बात ही अलग होती है यार। अब जेएलबी जीता एक्सट्रीम को भी मैं फुल स्पीड में लेके आने वाला हूँ। यहाँ पे ये कार भी थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से डूबने लगी थी, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे फुल ट्रिगर इसके अंदर देना स्टार्ट कर दिया, आराम से तैर रही है, देखते हैं ये क्रम से निकल पाती है या नहीं। अबे यार ये भी निकल गई यार यहाँ से आराम से, इसको देखते हैं ये पानी के अंदर चल पाती है या नहीं। गाइस देखो ये भी चल रही है, आगे बहुत गहरा पानी है। अब देखो सामने के व्हील्स ऊपर उठ चुके हैं, पीछे के व्हील्स थोड़े से भी चलने लगे हैं भाई, अब ये यहाँ पे फंस चुकी है।
मैं इसको सीधा चलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये इधर जा रही है। अरे अरे नहीं चलेगी यार ये, इसको हटाते हैं। ये कार को चला के देखते हैं, ये तो बिल्कुल भी वाटर प्रूफ नहीं है और ऊपर से इसकी बैटरियां नीचे की तरफ दी गई है, ऑन ऑफ स्विच भी यही है। ये देख लो, इसको हम लोग बस इतना ही चला सकते हैं, इतने से कीचड़ में ये फंस चुकी है। ये देख, आमने सामने वाली फाइट कराते हैं सस्ती कार वर्सेस महंगी कार के बीच में। देखते हैं जेएलबी चीता के सामने टिक पाती है, यानी जेएलबी चीता पीछे ढकेल रही थी पर ये कार ने इसको उठा के फेंक दिया। यार मेरे को लग रहा है ये इसके ऊपर से फिसल के गिर गई है। ठीक है तो अब थगो फोर भी करा के देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे ये सस्ती वाली कार पूरी कोशिश कर रही थी जेएलबी चीता को खींचने के लिए, पर जेएलबी चीता के अंदर मैंने जैसे ही थोड़ा सा ट्रिगर दिया है जेएलबी चीता ने तो बैंड बजा के रख दिया है पूरी तरीके से। ठीक है अब ये ट्रैक्सल स्लैश की फाइट कराते हैं ये सस्ती आरसी शार्क कार के साथ। ट्रैक्सल बहुत आराम से इसको पीछे ढकेल रही थी। ओ माय गॉड, ट्रैक्सल ने इसका साइड फेंडर तोड़ के रख दिया है पूरी तरीके से। ये क्या हो गया यार, आज सभी की सभी कार्स टूटती जा रही है भाई। बहुत ही भयंकर टक्कर थी इन दोनों के बीच में। देखो यार यहाँ ऊपर की तरफ से भी ये टूट चुकी है पूरी तरीके से, पर ये फिर भी काम कर रही है। बहुत ज्यादा दम है ये आरसी शार्क कार के अंदर। ठीक है ये सस्ती वाली कार्स तो इन दोनों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रही थी। अब ये दोनों पावरफुल कार्स के बीच में कराते हैं, बट यहाँ पे जेएलबी चीता ने ट्रैक्सल स्लैश को अपने ऊपर उठा लिया और इसको पीछे ढकले जा रही है। यहाँ पे ट्रैक्सल स्लैश भाई बच गई, वरना इसको ये पटक देती कीचड़ के अंदर। अब थगो फोर कराते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे ट्रैक्सल स्लैश पूरी कोशिश कर रही है जेएलबी चीता को रोकने के लिए, पर जेएलबी चीता के व्हील्स एकदम बड़े ट्रैक्टर के व्हील्स इसके अंदर दिए गए। इस वजह से मेरे को लग रहा है यहाँ पे जेएलबी चीता को बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक्शन मिल रहा है ये कीचड़ के अंदर। और भाई इसने फाइनली खींच लिया है ट्रैक्सल स्लैश को अपनी तरफ। और देखो ट्रैक्सल स्लैश पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने के लिए, पर इसके व्हील्स थोड़े से छोटे होने के कारण बिल्कुल भी इसको यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा था। ट्रैक्सल स्लैश के अंदर देखो कितनी भाई मिट्टी जा चुकी है, पर ये जेएलबी चीता के अंदर देखो बिल्कुल भी मिट्टी नहीं गई है, ना तो कीचड़ गया। जेएलबी चीता बहुत ज्यादा खतरनाक वाली कार है। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ट्रैक्सल स्लैश जेएलबी चीता अच्छी लगी या फिर ये सस्ती वाली कार्स अच्छी लगी। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है श्रीनाथ, मोहम्मद, अक्षय, बाबेर, नैतिक, अरविंद, दिवस, एहसान, अब्दुल रहमान, पीयूष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।